हो जब कोई नहीं आता, मेरी दादा वो जब कोई नहीं आता, मेरी दादा आते वो मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। एक मंच पे मैंने थोड़ा इसका वो कम करो,
एक मंच पे मैंने गा लिया कि मेरे दोनों हाथों में ऐसे लकीर हैं। बीच में से हमारे एक भाई उठे और उन्होंने कहा कि आपके हाथों में ही ऐसी लकीरें हैं, हमारे हाथों में हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का। तो फिर मैंने कहा मेरे दोनों हाथों में आपके भी हाथों में ऐसी लकीर है, दादा से मिलने होगा ऐसी तस्वीर है। मुझे याद है सायला की जब प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की, तब मैं यहाँ पे कार्यक्रम नरेंद्र भी का कार्यक्रम चल रहा था और मैं कार्यक्रम देकर गई थी यहाँ पर। तो आइए उसी भक्ति को एक बार इसको सही कर दो ना। अरे लिखा है ऐसा लेख दादा लिखा है, मैं चाहती हूँ एक बार यहाँ पर आ जाइए सभी लोग। दादा की भक्ति के लिए पूरी रात माँ की भक्ति करी है, हम शंखेश्वर दादा को याद करते हैं, जिरावना दादा को याद करते हैं। अरे लिखा है ऐसा लेख दादा लिखा है ऐसा
सभी मिलकर क्या कहेंगे, अरे मैया तुझे मिलने का, मैया तुझे मिलने का। मैं श्याम जी पालीवाल से निवेदन करूंगी कि आप भी आए माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। बिल्कुल साहब, श्याम भैया माँ से सभी को प्रेम है। शंकर भैया आप भी आए, शंकर भैया श्याम जी के साथ में आप भी आए। अशोक भैया हो गए, अब आपकी हाजिरी और शंकर भैया की हाजिरी बाकी आई है। अरे मैया तुझे मिलने का, मैया तुझे मिलने का, सत्य संग ही बहाना। मालूम नहीं आज आपको क्या हुआ है, मतलब कि उदास हो आप, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चेहरे पे मैया के नाम की हंसी देते हुए और दिल में मैया के नाम का प्यार लेते हुए जोरदार दिल खोलकर, अरे मैया तुझे मिलने का, सत्संग ही बहाना है बहन माधुरी जी, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है, मैया तुझे मिलने मैया तुझे मिलने का।
आपका।